अच्छा जी, तो अभी तक हमने किया ये था कि डेव सी प्लस प्लस में कुछ कोड लिखा था और उसका हमने आउटपुट चेक किया, तो आउटपुट हमें नज़र आया जनाब ये कि लिखा हुआ आ गया हेलो वर्ल्ड। यानी कोड को मैंने कंपाइल किया, कोड कंपाइल हो गया और फिर मैंने उसको रन कर दिया, तो मुझे ये जो ब्लैक स्क्रीन है इसके ऊपर लिखा हुआ नज़र आ गया हेलो वर्ल्ड। ठीक है। अच्छा, अब ये जो मैंने एसटीडी लिखा हुआ है इसको सी आउट के साथ बार बार लिखने से बेहतर है कि आप ऊपर इस तरह लिखते हैं, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी सेमी कॉलन, और यहाँ से एसटीडी हटा दें। ठीक है। तो आप देखेंगे कि अब अगर आप कोड को कंपाइल करते हैं और कंपाइल करने के बाद रन करेंगे तो एग्जैक्टली वही आउटपुट नज़र आएगा। अब आप मल्टीपल सी आउट्स लिख सकते हैं और आउटपुट चेक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक और दफ़ा लिख रहा हूँ सी आउट, और अब मैंने लिख दिया कि सेकंड लाइन और सेमी कॉलन लगा दिया और कोड को मैंने कंपाइल किया, और कंपाइल करने के बाद मैंने रन कर दिया, तो आप देखेंगे कि सेकंड लाइन भी यहाँ पर आपको आउटपुट पे नज़र आ रही होगी। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? अच्छा, आप क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो 10th क्लास की टीचर्स ही हैं, तो हम उसी बुक को देखते हुए उसको फॉलो कर लेते हैं। फिर ये है कि जब उसके टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि हमारी आउटलाइन में तो चीज़ें थोड़ी ज़्यादा हैं, तो फिर मैं दूसरी बुक का आपको बता दूंगा। तो आई थिंक ये बुक है आपकी, और नज़र आ रही है आपको बुक, नज़र आ रही है? जी सर। हाँ, तो इसमें मेरे ख्याल है मैं यहाँ तक तो आपको चीज़ें बता ही चुका हूँ कि रन किस तरह करना है, कंपाइल किस तरह करना है। मेरे ख्याल इसमें कोई इशू तो नहीं है किसी को कंपाइल और रन करने में। नो सर। ठीक है, तो जो हमें स्टार्ट करना है मैं जो समझता हूँ वो यहाँ से हम कर लेते हैं, 2.3, और यहाँ से रिजर्व वर्ड, या इनको हम अपनी टर्मिनोलॉजी में कीवर्ड्स भी कहते हैं। तो ये आपको एक चार्ट नज़र आ रहा है, ये सी प्लस प्लस के कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड से क्या मुराद है? देखिए, कीवर्ड से मुराद ये है कि ये प्रोग्राम है मेरा। अब इस प्रोग्राम के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ कि एक वेरिएबल बना सकता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा इंटीजर स्पीड इक्वल्स टू 10। ठीक है, फिर मैं ऐसे करके सी आउट करके, और मैं इस स्पीड को प्रिंट करवाता हूँ। तो देखें होगा क्या, होगा ये कि जब आप इस कोड को रन करेंगे और आउटपुट चेक करेंगे तो ये 10 प्रिंट कर देगा, यानी कि स्पीड की वैल्यू प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो अब ये जो स्पीड है ये कहलाता है वेरिएबल का नाम। दो तीन चीजें यहाँ समझ लें। देखिए, पहली चीज तो ये कि ये जो इंट है ना, इसको हम कहते हैं डेटा टाइप। ठीक है, ठीक है, ये कहलाएगी सी प्लस प्लस डेटा टाइप। अच्छा, और ये जो स्पीड है ना, इसको हम कहते हैं जनाब वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? एनीथिंग विच कैन वेरी इज वेरिएबल। अच्छा, ये जो इक्वल्स टू है ना, इसको हम कहेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। अच्छा, और 10 बेसिकली एक कांस्टेंट है, जबकि ये जो सेमी कॉलन है इसको हम कहेंगे टर्मिनेटर। ठीक है, तो अब कीवर्ड या रिजर्व वर्ड से क्या मुराद होती है? ये मैं यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ कीवर्ड, जो बुक में लिखा हुआ है रिजर्व वर्ड, उससे क्या मुराद होती है कि कंपाइलर जो है सी प्लस प्लस का,
उसने कुछ अल्फाज को अपने पास अपनी डिक्शनरी में सेव करके रखा हुआ है और उनका एक मखसूस मायने हैं उसकी डिक्शनरी में, लिहाजा आप उनको एज अ वेरिएबल इस्तेमाल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे मैं एक वेरिएबल बनाऊं जिसका नाम ही इंटीजर रख दूं तो एरर आ जाएगा। देखिए, मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसका नाम ही इंट रख दिया, या वेरिएबल का नाम मैंने वॉइड रख दिया, या वेरिएबल का नाम मैंने सी आउट रख दिया, या वेरिएबल का नाम मैंने मेन रख दिया, या वेरिएबल का नाम मैंने रिटर्न रख दिया, तो ये रिजर्व वर्ड्स हैं। तो ये जो बुक में आपको नजर आ रहे हैं सारे, ये असल में रिजर्व वर्ड हैं। एंड, ऑटो, बूल, ब्रेक, कैरेक्टर, ऑपरेटर, प्राइवेट, पब्लिक, स्विच, दिस, ट्रू, ट्राई, कैच, न्यू, शॉर्ट, स्टैटिक, ये सब रिजर्व वर्ड्स हैं। इनको किसी भी आइडेंटिफायर या वेरिएबल के नाम के तौर पे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये मुराद है इससे। ठीक है, मैं एक और वेरिएबल बना सकता हूँ, जैसे मैं मिसाल के तौर पे बना सकता हूँ आईक्यू के नाम से एक वेरिएबल बना सकता हूँ, उसमें कुछ और स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है भाई? नो सर, आ रही अच्छा जी, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है डेटा टाइप्स। अब डेटा टाइप्स जो है ना, वो आपके सामने ये पूरा चार्ट नजर आ रहा है सी प्लस प्लस की। डेटा टाइप्स बूलियन, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोटिंग एंड डबल फ्लोटिंग टाइप। क्या कॉन्सेप्ट है इनका? मैंने थोड़ा सा भी आपको बताया था कि ये जो स्पीड है इसकी डेटा टाइप है इंटीजर। तो डेटा टाइप होती क्या है असल में? इसको ना आप ऐसे समझें कि कंप्यूटर जो मेमोरी है उसमें जब भी हम कोई वैल्यू स्टोर करवाना चाह रहे होते हैं अपने प्रोग्राम में, तो बाय यूजिंग आवर प्रोग्राम अगर हम कंप्यूटर मेमोरी में कोई भी वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ता है। अच्छा, अब उस वेरिएबल का साइज क्या होगा ये जनाब हमें डेटा टाइप से पता चलता है या हम अपने कोड में बताते हैं, और ये कि उसमें किस किस्म का डेटा स्टोर होगा ये भी हम बाय यूजिंग डेटा टाइप बताते हैं। मिसाल के तौर पे इंटीजर जो होता है ना, देखें अगर आप यहाँ बुक में देखेंगे तो ये बता रहा है कि इंटीजर 4 बाइट का होता है। 4 बाइट का क्या मतलब है? तो इसको समझें कि 1 बिट ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट है कंप्यूटर मेमोरी का। इसमें आइदर या तो 1 स्टोर होगा या 0 स्टोर होगा। 1 का मतलब होता है ऑन और 0 का मतलब होता है ऑफ। समझ लें एक बल्ब है, वो या तो ऑन होगा या ऑफ होगा। ऑन होने पे 1 है, ऑफ होने पे 0 है। अच्छा, अगर 8 बिट मिल जाते हैं तो वो बन जाता है 1 बाइट। ठीक है, और अगर हमारे पास 1024 बाइट मिल जाए तो उसको हम कहते हैं 1 KB या 1 किलोबाइट। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारे पास 1024 KB मिल जाए तो वो कहलाता है 1 MB। और इसी तरीके से अगर मेरे पास 1024 MB मिल जाए तो वो कहलाता है जनाब 1 GB। ठीक है, तो ये कंप्यूटर मेमोरी के अंदर जो स्पेस होती है ना उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये बाइट और बिट्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। तो 4 बाइट अगर इंटीजर है तो इसको समझें कि 4 बाइट का मतलब ये है कि इसमें जो स्पेस है वो है 32 बिट्स, यानी 32 1010 के कॉम्बिनेशन वाला नंबर हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो यानी कि अगर आप यहाँ देखें तो ये लिखा हुआ है, ये जो नंबर्स है ना ये 32 बिट्स में आते हैं फ्रॉम माइनस टू प्लस। अच्छा, अब इसके मुकाबले में हमारे पास एक डेटा टाइप होती कैरेक्टर। कैरेक्टर
कैरेक्टर क्या है कि भाई मिसाल के तौर पे मैं एक कैरेक्टर बनाता हूँ, इसमें मैंने ए स्टोर कर लिया, तो ए बी सी डी इस तरह का कोई कैरेक्टर या कोई सिंबल भी है वो सेव कराना है मुझे, तो मैं फिर इंटीजर डेटा टाइप में नहीं बल्कि कैरेक्टर डेटा टाइप में स्टोर करता हूँ। कैरेक्टर की जो लेंथ होती है वो 1 byte होती है। 1 byte का मतलब, 1 byte का मतलब 8 bits। 8 bits का मतलब ये कि इसमें जो है ना वो 0000 चार हो गए, 5 हो गए, 6 7 8 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ से लेके यहाँ तक के बाइनरी नंबर्स इसमें आ सकते हैं, ठीक है। यानी कि फ्रॉम 0 to 255 इसमें वैल्यूज आ सकती हैं। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ भाई जी सर। भाई किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। तो 0 to 255 पॉजिटिव या -127 से +128 तक वैल्यूज इसमें आ सकते हैं अगर ये 1 byte है तो, ठीक है। और अगर ये जनाब 2 byte है तो इसको डबल कर लें, 3 है तो उसको 3 times कर लें, 4 है तो 4 times कर लें। तो इसी वजह से आप देखेंगे कि जो आपका 4 byte वाला इंटीजर है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस मौजूद है। अच्छा, नंबर जो होते हैं बाइनरी नंबर्स, उसमें जो डेसिमल नंबर होते हैं ना फ्लोटिंग नंबर, वो अलग होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं करूँ ये कि इंटीजर बनाऊँ एक और उसमें मैं उसका नाम रखूँ जनाब IQ और उसमें स्टोर करवा लूँ 6.5, तो क्या होगा? फिर IQ को मैं प्रिंट करवाता हूँ तो क्या प्रिंट करेगा भैया अगर IQ में 6.5 है तो? हाँ भाई IQ में अगर 6.5 है तो क्या प्रिंट करेगा ये? ये बाइट में प्रिंट करेगा, ये 0 0 या 1 1 ऐसे कुछ होगा। हाँ देखिए, बात को जो मैं समझाना चाह रहा था ना वो ये है कि बेसिकली जो इंटीजर डेटा टाइप होती है ना उसमें आप फ्लोटिंग नंबर स्टोर नहीं कर सकते। तो अगर 6.5 आपने इंटीजर में स्टोर करने की कोशिश की तो नतीजा ये होगा कि कोड तो आपका कंपाइल हो जाएगा, रन भी हो जाएगा, लेकिन प्रिंट जो है ना ये 6 करेगा सिर्फ। यानी कि इंटीजर टाइप के वेरिएबल में इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं होती कि वो फ्लोटिंग नंबर्स को स्टोर कर सके। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर मेरे पास ऐसा कोई नंबर है 6.5 टाइप का तो फिर मैं इंटीजर के बजाय फ्लोट डेटा टाइप इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे कि ये 6.5 प्रिंट करेगा। असल में बाइनरी नंबर्स में ना फ्लोटिंग नंबर स्टोर करने का अलग तरीका होता है और नॉन फ्लोटिंग नंबर का अलग होता है, तो इसीलिए इंटीजर अलग डेटा टाइप है और फ्लोट अलग डेटा टाइप है। तो इन डेटा टाइप से ना सिर्फ ये पता चलता है कि कितना साइज का मेमोरी ब्लॉक बनेगा जिसमें वैल्यू स्टोर होगी, और ये भी पता चलता है कि उसमें डेटा किस किस्म का होगा, ठीक है। बात आ रही समझ में? तो हमारे पास बूलियन कैरेक्टर जी नहीं, सही जो कैरेक्टर है -127 सही है, दोबारा समझा दें 127 to 127 क्यों आ रहा है? हाँ, असल में ये 0 to 255 है, तो अगर आप माइनस 127 से +127 की तरफ जाएंगे ना,
तो वो टोटल 255 ही होता है वो। ओके सर, ये 0 टू जो 255 है ये सिर्फ 0 0s एंड 1s ही होंगे ना? असल में बाइनरी नंबर्स है ना, देखें ये जो 8 दफा 0 लगाएंगे तो वो तो 0 के बराबर है। ठीक है, हमारे पास एसटी कोड होता है, तो 1 किसके बराबर होता है? मैं तो ए बी सी डी भी आ जा रहा होता है ना, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूं। नहीं नहीं, ये तो बाइनरी नंबर्स हैं, इसको बाइनरी नंबर्स के हिसाब से वाली कोड नहीं है ना, उसमें भी 255 नंबर्स आ रहे होते हैं ना, इस वजह से। नहीं नहीं, हेक्साडेसिमल पे ना जाए, बाइनरी नंबर्स पे रहें। ओके, और माइनस से लेके जब हम 127 तक जाएंगे तो ये 255 काउंट होंगे। ओके सही सर। हां वो एक्चुअली 255 ही है ना, माइनस से स्टार्ट करते हैं तो एक्चुअली ये 255 तक ही है। सिर्फ ये समझने के लिए 127 नंबर रखा हुआ है। हाँ, असल में ना अगर आप मिसाल के तौर पे इसमें रखते हैं -5, ठीक है, और इसको इंटीजर करते हैं, अब आप अगर आईक्यू को कंपाइल करके रन करेंगे हम, तो देखें प्रिंट तो वो कर देगा -5, क्योंकि उसके अंदर कैपेसिटी है -127 तक जाने की। अच्छा, अगर मैंने मिसाल के तौर पे यहाँ पे -250 कर दिया तो अब क्या होगा? ये हम बात कर रहे हैं कैरेक्टर डेटा टाइप की, इंटीजर में तो आ जाएगा। बल्कि एक काम करते हैं ना कि बड़ी, अब इस इंटीजर में तो -250 आ जाएगा क्योंकि इंटीजर की रेंज के अंदर है ये, ठीक है। लेकिन मैं बहुत बड़ी वैल्यू दे देता हूँ। अब क्या होगा, ये इंटीजर की रेंज से बाहर निकल गया तो देखें ये एरर आ गया, क्योंकि ये जो ये कह रहा है इंटीजर कांस्टेंट इज टू लार्ज फॉर इट्स टाइप। इसी तरीके से जो कैरेक्टर है उसके अंदर मैं स्टोर करवा देता हूँ 97। अच्छा, 97 अगर मैं स्टोर करवा देता हूँ कैरेक्टर में और उसको प्रिंट करवाता हूँ तो हम देखते हैं कि भाई प्रिंट क्या होगा। जब आप 97 को प्रिंट करेंगे तो देखें इसने प्रिंट किया है स्मॉल ए। अब 97 स्टोर करने पे स्मॉल ए कैसे प्रिंट कर दिया भाई इसने, ये कोई समझाएगा मुझे? किसी को पता है? चले, नहीं पता कोई मसला नहीं है, सिंपल बोल दें कि सर नहीं पता। असल में ये जब हम कोई कैरेक्टर बनाते हैं ना तो कंप्यूटर में उसका एस्की कोड सेव होता है, तो ए का 97 है। अगर मैं 98 करूंगा तो फिर क्या प्रिंट होगा? बी प्रिंट होगा। 99 करूंगा तो सी होगा। समझ में आ रही मेरी बात? यानी हर कैरेक्टर को ना एक नंबर असाइन हुआ हुआ है। तो आप ये नंबर जो है, अब 1 byte से बड़ा नंबर लेकर आ जाए, आप यहाँ पे ले आए -500, तो अब क्या होगा? एरर आ जाएगा कि भाई इतनी रेंज का नंबर इसमें आ नहीं सकता क्योंकि ये 1 byte का है। तो -127 तो इसमें आ जाएगा, लेकिन जैसे ही आप -128 पे जाएंगे ना एरर आ जाएगा। तो बेसिकली -127 से लेके +127 तक ये 255 वैल्यूज हैं जो कि आप स्टोर कर सकते हैं कैरेक्टर डेटा टाइप में। और इसी तरीके से ये जो नंबर लिखा हुआ ना 21474834648, यहाँ से लेके यहाँ तक आप स्टोर कर सकते हैं एक इंटीजर डेटा टाइप में, ठीक है। फ्लोट में क्योंकि पॉइंट नंबर भी आ जाते हैं तो उसमें थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन रेंज इसकी भी 4 byte तक ही है। डबल जो है वो 8 byte तक चले जाता है, यानी कि ये फ्लोट से डबल है और डबल में फ्लोटिंग नंबर स्टोर करते हैं हम। ये ध्यान में रखिएगा कि डबल जब मैं डेटा टाइप लिखता हूँ तो उसकी रेंज ज्यादा होती है, वो मेमोरी में ज्यादा जगह लेगा। बेशक उसमें मैं स्टोर 2.5 कराऊं
तो अगर मैंने एक फ्लोट नंबर बनाया और उसमें भी 2.5 रखा, और मैंने एक डबल नंबर बनाया तो उसमें भी 2.5 रखा, तो दोनों में क्या फर्क होगा? सर जो डबल है उसमें स्पेस ज्यादा मेमोरी चली जाएगी और इसमें स्पेस कम आएगी। हाँ, बस फर्क सिर्फ ये है कि कंप्यूटर मेमोरी में जो ब्लॉक बनेगा ना, वो डबल का साइज उसका 8 बाइट का होगा। मतलब एक बस खड़ी हुई है, एक कार खड़ी हुई है, तो बस ज्यादा जगह लेगी, बेशक दोनों में एक ही बंदा बैठा हुआ। तो वैल्यू कोई भी हो, उसने मेमोरी में जगह उतनी लेनी है। तो जब हम कोई भी डेटा टाइप बता रहे होते हैं, तो एक्चुअली हम स्पेसिफाई कर रहे होते हैं कि भाई इसकी कितनी रेंज होगी। ठीक हो गया, आगे बात समझ में? हाँ, बहुत अच्छा जी। अब इसके बाद जो अगली बात हो रही है वो है कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। तो ये मैं थोड़ा सा आपको बता चुका हूँ कि ये जो है ना, इसको आप कहते हैं कॉन्स्टेंट और ये कहलाता है वेरिएबल। कॉन्स्टेंट से मुराद को ऐसी चीज है जो चेंज नहीं होती। अब ये 10 जो है ना, ये आज भी 10 है, कल भी 10 होगा, परसों भी 10 होगा, 10,000 साल बाद भी ये 10 होगा। लेकिन ये जो स्पीड है ना, इसमें अभी 10 है। अब अगर मैं नीचे आके इस स्पीड के अंदर जो है ना, वो कोई और वैल्यू असाइन कर दूं, तो स्पीड की वैल्यू 50 हो जाएगी। इसका मतलब स्पीड की वैल्यू वेरी कर सकती है, लिहाजा स्पीड एक वेरिएबल है, तो इसको हम वेरिएबल कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये जो वेरिएबल और कांस्टेंट होते हैं, तो कांस्टेंट बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होते हैं लिटरल और एक होते हैं डिफाइंड। लिटरल और डिफाइंड में क्या होता है कि कुछ आपके पास कांस्टेंट ऐसे होते हैं जो कि पहले से लोगों को पता होते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक वेरिएबल बनाना चाह रहे हैं पाई के नाम से, तो आप क्या कर सकते हैं कि उनको जो है ना वो डिफाइन कर दें। और लिटरल वो है कि जो आप बकायदा वैल्यू अपने प्रोग्राम में बताते हैं, जब चाह रहे होते हैं उसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये आगे एग्जाम्पल में भी आएगा, तो उसके अंदर हम इसको मजीद अंडरस्टैंड करेंगे। और नॉर्मली जब हम डिफाइन कर रहे होते हैं, तो डिफाइन के लिए फिर हम डिफाइन प्री प्रोसेसर इस्तेमाल करते हैं, और फिर उसकी मदद से हम अपना जो है वो डिफाइंड कॉन्स्टेंट डिफाइन कर देते हैं। वो आगे जाके हम एग्जाम्पल्स में देख लेंगे। तो कॉन्स्टेंट और वेरिएबल में जो डिफरेंस है वो यहाँ टेबल में नजर आ रहा है आपको, इसको देख लीजिएगा। कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। बस इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये देखें कि जो वेरिएबल्स है ना, उनका जब हम कोई नाम रखते हैं, तो नाम रखते हुए कुछ चीज़ों का हमें ख्याल रखना होता है। मिसाल के तौर पे नाम जो है उसमें लेटर भी आ सकता है, डिजिट्स भी आ सकते हैं, अंडरस्कोर भी आ सकते हैं। उसको आपने किसी लेटर या अंडरस्कोर से स्टार्ट करना होता है, नंबर से करेंगे ना तो एरर आ जाएगा। मिसाल के तौर पे देखिए, मैंने लिखा इंटीजर और फिर मैंने लिखा मार्क्स, और फिर मैंने उसमें सपोज 34 स्टोर करवा दिया। अच्छा, मार्क्स में जो है ना, मैंने किया ये कि 20 से शुरू कर दिया ऐसे करके, तो यहाँ एरर आ जाएगा। एरर क्यों आ जाएगा? क्योंकि मैंने जो वेरिएबल का नाम है वो किससे स्टार्ट कर दिया, नंबर से। शुरू में नहीं आ सकता, बीच में आ सकता है, आखिर में आ सकता है, शुरू में नहीं आ सकता। शुरू में कोई लेटर होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन नंबर नहीं आना चाहिए, कोई सिंबल नहीं आना चाहिए शुरू में। शुरू में या तो अंडरस्कोर होगा या A to Z कोई कैरेक्टर होगा, स्मॉल या कैपिटल में। ठीक है, फिर ये कि ने ये जो वेरिएबल होते हैं ना, ये केस सेंसिटिव होते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने एक वेरिएबल बनाया मार्क्स के नाम से, और यहाँ पे आके मैंने लिख दिया मार्क, तो एरर आ जाएगा। क्या एरर है यहाँ पर? हाँ भाई, एरर क्या है तो बताएगा मुझे। हम्म,
हाँ भाई बेटा, आप लोग क्लास में मौजूद हैं? नहीं समझ रहा ऐसा नहीं हो पा रहा, तो पहले आ रहा था तो आपने 20 लिखा था, अभी तो आपने नंबर नहीं दिया तो कोई एरर नहीं आएगा ना। असल में ये जो है ना वो एरर इसमें ये है कि वेरिएबल का नाम के अंदर एस इंक्लूडेड है, यहाँ मैंने एस नहीं लिखा, तो एस यहाँ भी लगाऊंगा तो यहाँ पर ये देखें कि रन हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात ये कि अगर मिसाल के तौर पे यहाँ मैंने कैपिटल एम लिख दिया और यहाँ पे मैंने स्मॉल एम लिख दिया तो भी एरर आ जाएगा। इसको बोलते हैं केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव से मुराद ये है कि कैपिटल एम एक अलग कैरेक्टर है और स्मॉल एम एक अलग कैरेक्टर है, तो आपने वेरिएबल में जो भी कैरेक्टर जिस तरह लिखा है बिल्कुल ऐसे ही उसको लिखकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एम कैपिटल लिख दिया है तो आगे जाके आप एम स्मॉल इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं केस सेंसिटिव, यानी माई वी ए आर और माई वी ए आर दो अलग अलग वेरिएबल हैं। आप चाहें तो एक और मार्क्स का वेरिएबल बना सकते हैं। अब ये दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, आप अगर इसको दोबारा से बनाएंगे तो एरर आ जाएगा, क्योंकि एक ही नाम के दो वेरिएबल्स नहीं हो सकते। ठीक है, तो लेकिन ये दो वेरिएबल पॉसिबल हैं क्योंकि इन दोनों के नाम अलग अलग हैं। क्यों नाम अलग अलग हैं? क्योंकि एक में एम स्मॉल है और एक में एम कैपिटल है। बात समझ में आ गई? ठीक है, फिर यस ये सर, कि ये जो वेरिएबल नेम होते हैं ना इसमें कोई वाइड स्पेस और स्पेशल करेक्टर नहीं आता, और दूसरी बात ये कि जो रिजर्व वर्ड होते हैं वो भी आप वेरिएबल नेम के तौर पे इस्तेमाल नहीं है। ठीक है, अच्छा तो वेरिएबल बनाते कैसे हैं? वेरिएबल बनाने का तरीका ये होता है कि आप डेटा टाइप लिखते हैं, वेरिएबल का नाम लिखते हैं, इक्वल्स टू करके वैल्यू बता देते हैं, तो उससे जो है वो वेरिएबल बन जाता है। और उसकी यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है इनिशियलाइजेशन, एक चीज होती है डिक्लेरेशन और एक चीज होती है इनिशियलाइजेशन, तो उसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ जनाब इंटीजर स्टूडेंट। अब देखें उसके बाद मैंने सेमी कॉलन लगा दिया, इसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं करी, इसको कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। डिक्लेयर कर दिया मैंने वेरिएबल कि भाई ये वेरिएबल है। अच्छा, अगर मैं वेरिएबल डिक्लेयर करके उसको प्रिंट करवाऊं तो क्या प्रिंट होगा? तो देखें जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करके उसको प्रिंट करवाएंगे ना तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जो कि इंटीजर की 0 होती है और फ्लोट और डबल की 0.0 होती है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं इस वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ तो इसको कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ठीक है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन जो है उसके बाद आपके वेरिएबल में बकायदा कोई वैल्यू आ जाती है जिसको आप चाहें तो रन करके आउटपुट पे चेक कर सकते हैं।
ठीक है, अगर मैं इस तरीके से लिख देता हूं इंटीरियर टीचर इक्वल्स टू 100, तो यहां पर डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन दोनों एक साथ हो गई हैं, एक ही लाइन में हो गई हैं, जो कि सी प्लस प्लस आपको अलाउ करता है। तो आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, डिक्लेयर अलग लाइन में करें और इनिशियलाइज अलग लाइन में करें, और एक लाइन में भी कर सकते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। चलो, तो उसके बाद जनाब ये वेरिएबल इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन का मसला हल हो गया। अच्छा, एक और भी कॉन्सेप्ट होता है सी प्लस प्लस में, जिसको हम कहते हैं स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स क्या है कि मुझे जो है ना वो एक दो नंबर नहीं बल्कि दो करेक्टर नहीं बल्कि दो तीन करेक्टर्स मिलाकर रखना है, जैसे अपना नाम लिखना है, तो उसके लिए फिर मैं स्ट्रिंग इस्तेमाल करता हूँ। वो आगे एग्जाम्पल्स में आएगा किस तरह इस्तेमाल होता है, अभी सिर्फ उसका नाम आपको बता दिया कि भाई ये जो है ना वो स्ट्रिंग एक आगे हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे। वो स्ट्रिंग एक्चुअली एरे ऑफ कैरेक्टर होता है, तो वो हम उसको देखेंगे। तो अभी आ रहे हैं हम, ये चैप्टर है आपका जनाब यूनिट 3 है, इसमें देखें और मजीद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये अगर प्रोग्राम है मेरा, इसमें जो ये पहली लाइन है ना, इसको हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, ये जो हैश इंक्लूड करके आईओ स्ट्रीम हमने लिखा हुआ है। फिर ये जो इंट मेन वॉइड है ये कहलाता है मेन फंक्शन हेडर, और फिर ये कर्ली ब्रैकेट्स में जो कुछ लिखा हुआ है ना ये बॉडी ऑफ द प्रोग्राम या बॉडी ऑफ द फंक्शन कहलाती है। ये है आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, इसमें ये हैश का सिंबल है ना ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, और इसकी मदद से करते क्या है हम कि ये आईओ स्ट्रीम ना एक लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी में कुछ फंक्शन लिखे हुए हैं, वो लाइब्रेरी हम इंक्लूड करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर कि भाई ये इसको हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। अच्छा, इसी तरीके से एसटीडी को भी हम यूज करते हैं, इससे क्या होता है कि ये एक नेम स्पेस है एसटीडी जिसके अंदर सी आउट और सी इन वगैरह के फंक्शंस पड़े हुए हैं, तो उनको इस्तेमाल करने के लिए हम यूजिंग करके नेम स्पेस एसटीडी लिख देते हैं। अगर हम ये ना लिखें तो फिर हमें इसको जिस तरीके से कोड लिखना पड़ेगा, यानी कि अगर मैं यहाँ ये ना लिखूं तो फिर मुझे सी आउट और सी इन करने के लिए इस तरह लिखना पड़ेगा एसटीडी डबल कोलन, ऐसे कर लें, लेकिन क्योंकि बार बार हमें सी आउट सी इन वगैरह करना होता है तो ज्यादा बेहतर यही है कि आप ऐसे करके जनाब ऊपर जो है ना वो यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी करें और सिंपल सी आउट और सी इन यूज कर लें। बात समझ में आ गई? अच्छा, ये int main void क्या है? int actually इस function की return type है। ये function क्या return कर रहा है? तो हम ये कह रहे हैं कि ये एक function integer value return कर रहा है। देखिए हम यहाँ पे return 0 करवा रहे हैं, 0 एक integer है। और void का मतलब ये है कि इसमें कोई parameter pass नहीं हो रहा है। parameter क्या होते हैं ये आगे हम देखेंगे। C++ के अंदर curly brackets जो है ना वो ओपनिंग होते हैं किसी फंक्शन की बॉडी के लिए इस्तेमाल होता है, और क्लास के ओपनिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, नेम स्पेस की ओपनिंग के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो सेमी कॉलन होता है इसको स्टेटमेंट या टर्मिनेटर कहा जाता है, और इसकी मदद से होता ये है कि हम कंपाइलर को ये बताते हैं कि भाई ये लाइन एंड हो रही है, रिटर्न के कीवर्ड्स की मदद से आपको वैल्यू रिटर्न कर देता है। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है भाई? सर, वैल्यू रिटर्न मीन, रिटर्न का मतलब ये है कि जो फंक्शन होता है ना, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया void, तो इसका मतलब ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, सही है? अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटीजर, तो इसका मतलब मेन का फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो अगर वो रिटर्न कर रहा है तो रिटर्न करवाना पड़ेगा, अदरवाइज एरर आ जाएगा। अगर ये लाइन में हटा दूं यहां से तो आप देखेंगे कि यहाँ एक एरर आ जाएगा। ठीक है, एरर ये आएगा कि मेन फंक्शन जो है ना वो इंटीजर रिटर्न कर रहा है, आपने कुछ रिटर्न करवाया नहीं है, तो लिहाजा ये रिटर्न
इसलिए लिखना जरूरी होता है। वैसे तो खैर इसकी कोई खास अभी जरूरत नहीं है, लेकिन ये कि जब हम कोई फंक्शंस बनाएंगे ना मजीद, तो उसमें कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कुछ वैल्यू रिटर्न करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ रिटर्न नहीं करते, तो वहां पे फिर रिटर्न का कीवर्ड का इस्तेमाल होगा ऐसे फंक्शंस में जो कि कोई वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, जी सर। अच्छा अगला टॉपिक ही कह रहे हैं, कमेंट्स। कमेंट्स सी प्लस प्लस में सिंगल लाइन मल्टी लाइन होते हैं, सिंगल लाइन के लिए आप डबल स्लैश यूज करते हैं, ये कहलाते हैं कमेंट्स। कमेंट्स ऐसा लाइन लिखी, ऐसा टेक्स्ट लिखा होता है जो आप चाह रहे होते हैं कि ये कंपाइल ना हो, हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड ना हो। नॉर्मली इसमें हम कोई, जैसे देखिए मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अगर मैं इन्हें कॉमेंट ही हटा दिया ना, तो अब ये ढूंढेगा कि वेरिएबल कीवर्ड से क्या मुराद है, डिक्लेरेशन से क्या मुराद है, और ये एरर दे देगा। इसकी समझ में नहीं आएगा वेरिएबल डिक्लेरेशन, क्योंकि सी प्लस प्लस में ऐसी कोई चीज़ है नहीं, तो इसीलिए मैंने इसको कमेंट कर दिया कि भाई मैंने ये कुछ टेक्स्ट लिखा है, हिंट लिखे हैं, कॉमेंट लिखे हैं, लिहाजा आप वो कॉमेंट में लिखी हुई चीज़ को कंपाइल नहीं करेगा। ठीक है, आप सिंगल लाइन कॉमेंट भी कर सकते हैं और मल्टी लाइन कॉमेंट भी कर सकते हैं। जैसे ये पूरा कोड मैं कमेंट करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि ऐसे स्लैश स्टैरिक, और ये यहाँ आके मैंने लिखा स्टैरिक स्लैश, सारा कोड कमेंट हो गया, इसको कहते हैं मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? यस सर। अच्छा जी, ये हो गया सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन कमेंट्स। अच्छा अब आ जाता है जरा इम्पोर्टेंट चीज़ है, और वो है कि सी प्लस प्लस में हम यूजर से इनपुट कैसे ले सकते हैं और आउटपुट कैसे जनरेट करते हैं। तो आउटपुट तो सिंपल है, अगर आप लिखे ना सी आउट, तो इसका मतलब होता है कि आप कोई चीज़ प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, आउटपुट करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये काम आप पुट्स के मैं फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आप सिंपल लिखे ना पुट्स और उसमें कोई टेक्स्ट पास कर दें, तो भी वो यही काम करता है। जैसे आपने ऐसे लिख दिया पुट्स, और इन्वर्टेड कॉमा में कुछ लिख दिया, जैसे आपने लिख दिया कि वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, और जनाब ये आपने इसको कंपाइल किया, और कंपाइल करने के बाद आपने रन कर दिया, तो देखें कि यहाँ पर आउटपुट पे लिखा हुआ नजर आ जाएगा वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। तो पुट्स लिखते हैं या सी आउट लिखते हैं, दोनों सिंबल के साथ एक ही बात है। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से सी आउट का मतलब होता है कैरेक्टर आउटपुट। ठीक है, तो इसी तरीके से एक पुट सी भी होता है, तो वो भी इस्तेमाल होता है पुट कैरेक्टर के लिए, वो भी आप यूज कर सकते हैं। अच्छा एक स्टेटमेंट होती है सी इन, सी इन से मुराद ये होती है कि इसकी मदद से आप कोई वेरिएबल ना इनपुट ले रहे होता है। ठीक है, जैसे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, मैंने कहा कि भाई मार्क्स इन फिजिक्स, ये मैंने सिंपल एक वेरिएबल बना दिया, फिर मैंने लिखा सी इन, और देखिए यहाँ डायरेक्शन चेंज हो जाएगी एरोस की, और फिर मैंने लिख दिया मार्क्स इन फिजिक्स, तो ये क्या करेगा कि इनपुट ले लेगा यूजर से। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सी आउट, ताकि अंदाजा हो कि भाई डायरेक्शन क्या है। एंटर द मार्क्स इन फिजिक्स। अच्छा फिर उसके बाद हम करते ये हैं कि मार्क्स ले लेते हैं केमिस्ट्री में, उसके लिए मैं एक अलग वेरिएबल बनाऊंगा
उसका नाम हम रखेंगे मार्क्स इन केमिस्ट्री, ठीक है। फिर एक और वेरिएबल बना देते हैं मार्क्स इन कंप्यूटर, और उसके लिए भी हम यहाँ पर इस तरीके से इनपुट ले लेते हैं। तो यहाँ मैं लिखूँगा मार्क्स इन केमिस्ट्री, और यहाँ मैं लिखूँगा मार्क्स इन कंप्यूटर, इधर हम लिख देंगे कंप्यूटर। ये कोड ये करेगा कि तीन नंबर इनपुट लेगा, सबसे पहले फिजिक्स में मार्क्स, फिर केमिस्ट्री में, और फिर कंप्यूटर में। फिर मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल बना रहा हूँ इंटीजर टोटल मार्क्स, और फिर उसमें लिखूंगा मैं मार्क्स इन फिजिक्स, प्लस मार्क्स इन केमिस्ट्री, प्लस मार्क्स इन फिजिक्स, और फिर इसको मैं सी आउट करवा देता हूँ। क्या सी आउट करा देता हूँ? टोटल मार्क्स, सही है, समझ में आ रही मेरी बात? अब जब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो इसमें एरर आ जाएगा। एरर ये कह रहा है कि भाई सी आउट है, तो अब इसको जब आप रन करेंगे तो अब देखें ये आपसे बकायदा इनपुट लेगा। ये देखिए कह रहा है एंटर द मार्क्स इन फिजिक्स, मैंने कहा भाई 25, फिर इसने कहा केमिस्ट्री में, मैंने कहा भाई 35, फिर इसने कंप्यूटर में पूछे, मैंने कहा 45। तो देखें इसने तीनों का सम करके मुझे बता दिया, ठीक है। चलिए मार्क्स इन कंप्यूटर है। अच्छा फिर ये कि अगर मैं यहाँ स्लैश एन लगा दूं तो उससे लाइन भी ब्रेक हो जाएगी। यानी देखे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं सी आउट, टोटल मार्क्स, और ये मैंने सेमी कॉलन लगाया, फिर टोटल मार्क्स मैंने प्रिंट करवा दिए। आप देखें यहाँ पे जब कोड में रन करूँगा तो अब ये मुझसे नंबर पूछेगा ना, तीनों जैसे फिजिक्स के पूछे इसने, क्योंकि स्लैश एन लगा दिया तो नेक्स्ट लाइन में पूछ रहा है। मैंने लिखा जनाब 25, फिर 35, फिर 45, तो इसने मुझे बता दिया कि टोटल मार्क्स तीनों सब्जेक्ट्स के मिला के कितने हैं 105। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ भाई जी सर। सर हम जो है जब जी डब्ल्यू एस सी करते थे तो उसमें हम ना प्लस का सिंबल देते थे, प्लस कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, तो यहाँ पे ये सिंबल नहीं देना पड़ता, बस टोटल मास लिखेंगे नीचे और ये प्लस करके खुद ही सम करके दे देगा। हाँ प्लस की जगह कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, परसेंटेज निकाल लें आप, डिवाइड कर लें, वो तमाम ऑपरेटर्स आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं वेरिएबल्स के तौर पे। सर मार्कशीट बनाने के लिए जैसे ये इस्तेमाल हो सकता है ये सॉफ्टवेयर भी ना, जैसे पहले जीडब्ल्यू बेसिक में हम करते थे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो असल जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा था वो बता रहा था सी इन, सी इन के मतलब इनपुट ले रहे हैं आप कुछ, तो जब प्रोग्राम रन हो रहा है तो उस वक्त आप एक नंबर इनपुट ले रहे हैं और जो भी इनपुट हो रहा है वो इस वेरिएबल में आ रहा है। इसी तरीके से ये मार्क्स इन केमिस्ट्री भी इनपुट ले रहे हैं, मार्क्स इन कंप्यूटर भी इनपुट ले रहे हैं, ठीक है जनाब। अच्छा एक फंक्शन होता है गेट सी एच, बना बनाया फंक्शन है, तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कोन आयो डॉट एच वाली एक लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ेगी। ये भी आप यूज कर सकते हैं, उसमें फिर आप जो है ना वो कोई भी कैरेक्टर इनपुट ले सकते हैं बड़े आराम से और उसको प्रिंट करवा सकते हैं। यानी आप लिखेंगे कौन आयो डॉट एच, देखें फिर लिखा हुआ है कैरेक्टर सी एच इक्वल्स टू गेट सी एच, तो गेट सी एच क्या करेगा कि कैरेक्टर इनपुट लेगा
और वो सी एच में स्टोर करवा देगा जो भी कैरेक्टर आप इनपुट लेंगे, और फिर आप चाहें तो उसको प्रिंट करवा सकते हैं। सही है? गेट सी एच ई एक अलग फंक्शन है, ये गेट कैरेक्टर एको के नाम है एक्चुअली। ये इससे ये होता है कि जब आप गेट सी एच ई कॉल करते हैं ना, तो ये वो कैरेक्टर प्रिंट कर देता है जो कि यूजर ने एंटर किया है, ठीक है। और ये भी कौन आयो एच में मौजूद है, यानी मिसाल के तौर पे अब ये कोड देखें कि आपने कैरेक्टर बनाया सी एच, एक इंटीजर बनाया ए और बी दोनों में 10 स्टोर कर दिया। अब उसके बाद आपने लिखा डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू यस नो और कैरेक्टर इनपुट लिया, तो कैरेक्टर जनाब जो है ना जो भी आया वो सी एच में आ गया। फिर आपने लिखा द एडिशन इज ए प्लस बी, और ए प्लस बी का जो रिजल्ट है वो प्रिंट हो जाएगा। ए प्लस बी का जो रिजल्ट प्रिंट होगा वो होगा 10 प्लस 10, 20 प्रिंट हो जाएगा, और वो आप यहाँ पे प्रिंट कर दें, ठीक है। तो ये गेट सी एच ही क्या करेगा कि इसकी मदद से होगा ये कि जो कुछ भी आप इनपुट करेंगे ना यस और नो, तो वो उसको प्रिंट भी कर देगा, ठीक है। यानी अच्छा इसमें एक चीज और भी समझ लें कि जैसे अगर ये टोटल मार्क्स थे मैंने अलग लाइन में लिखा, आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं ऐसे करके। तो बात एक ही है, एक ही सी आउट से भी ये काम हो सकता है, ठीक है। तो वो सेम ही आउटपुट आ रहा होगा, कोई खास फर्क नजर नहीं आएगा, तो ध्यान में बात आई मैंने को बता। तो एक फंक्शन होता है आपके पास गेट सी एच, ये कैरेक्टर इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है। गेट सी एच ई का भी काम वही है, लेकिन जैसे ही आप कोई कैरेक्टर इनपुट करते हैं ना, तो ये उसको डिस्प्ले भी कर देता है, ठीक है। अच्छा एक है गेट कैरेक्टर फंक्शन, ये कैरेक्टर इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। stdio.h की लाइब्रेरी में ये मौजूद है, यानी कैरेक्टर सी एच लिखा, फिर आपने उसके आगे को टेक्स्ट प्रिंट करवा दिया, फिर गेट कैरेक्टर किया, जो भी कैरेक्टर इनपुट हुआ उसको आपने प्रिंट करवा दिया। अच्छा एक फंक्शन है गेट्स के नाम से, गेट्स की मदद से क्या होता है कि आप यूजर से इनपुट लेते हैं, जैसे पुट्स है तो पुट्स की मदद से भी इनपुट लिया प्रिंट करवाते हैं, सी आउट की मदद से भी कराते हैं, इसी तरह सी इन से जैसे इनपुट लेते हैं ना, वो गेट से भी ले सकते हैं आप, ठीक है। यानी मैं ये कर सकता हूँ कि बजाय इसके कि यहाँ सी इन लिखूँ, ठीक है, इसी प्रोग्राम को मैं कॉपी कर रहा हूँ और इसको मैंने कमेंट कर दिया और नीचे मैंने पेस्ट कर दिया। अब जहां जहां सी आउट लिखा हुआ था वहां पे मैं पुट्स लिख देता हूं, ठीक है। और जहां जहां सी इन लिखा हुआ था वो मैंने गेट्स कर दिया, तो फिर यहां पे भी मैं अच्छा चलें इसको कंपाइल करते हैं जरा। कह रहा है इंटीजर टू कैरेक्टर, अच्छा गेट एक्चुअली कैरेक्टर इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे फिर हमें सी इन ही लेना पड़ेगा, तो कैरेक्टर इनपुट लेने के लिए आप गेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। और आप जैसे अगर कोई लंबा कैरेक्टर आपको इनपुट लेना है, जैसे कोई मैसेज लिखना है आपने,
अब वो सिंगल कैरेक्टर में तो आ नहीं सकता सीएच में, तो उसके लिए फिर आप गेट्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे मैं लिखना चाहता हूँ या मैं करना ये चाहता हूँ कि यही प्रोग्राम अगर किताब वाला बना ले कि भाई हमने लिखा कि भाई हमने लिखा पुट्स और उसमें लिख दिया कि एंटर योर फीडबैक। अब फीडबैक जो है वो लंबा चौड़ा हो सकता है, तो उसके लिए हमने क्या किया कि एक हमने जो है ना वो कैरेक्टर एरे बना रखा है, यानी ये कैरेक्टर हमने बना रखा है जिसकी लेंथ 20 है। फिर मैं यहाँ पे करता ये हूँ कि ऐसे कर देता हूँ गेट्स और उसमें ये सीएच कर देता हूँ, तो ये जो भी इनपुट करूँगा ना मैं सीएच में आ जाएगा। अब अगर मैं प्रिंट करवा दूंगा किसको, सीएच को, कैसे, तो जो कुछ भी मैंने लिखा है ना वो प्रिंट हो जाएगा। आप चाहें तो उससे पहले को टेक्स्ट भी लिख सकते हैं ताकि उससे पता चल जाए कि भाई ये आउटपुट हो रहा है, यू एंटर्ड। अच्छा जी, प्रोग्राम को रन करते हैं और रन करने के बाद इसका आउटपुट चेक करते हैं, तो आप देखें ये आपसे कह रहा है कि एंटर योर फीडबैक। मैंने कहा एक्सीलेंट, तो ये कह रहा है यू एंटर्ड एक्सीलेंट, यानी एक्सीलेंट इसने सी एच में स्टोर कर लिया था। बात समझ में आ रही है मेरी? तो आप ये कर सकते हैं कि इस टेक्निक को यूज करके आप यूजर का नाम इनपुट ले सकते हैं अपने प्रोग्राम में। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एक कैरेक्टर बना दिया नेम के नाम से और उसमें मैंने 25 का रख दिया मैंने, तो भाई 25 तक की रेंज होगी, सही है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा सी आउट, एंटर योर नेम, एंटर स्टूडेंट नेम, और फिर मैंने किया ये कि यहाँ पे गेट्स का फंक्शन कॉल करके नेम के अंदर जो है ना वो वैल्यू इनपुट ले ली। ठीक है, अच्छा फिर मैं करूंगा ये कि जब मैं प्रिंट करवा रहा हूं तो प्रिंट करवाते में मैं क्या करूंगा कि टोटल मार्क्स ऑफ, और ये मैंने यहां से इसको खत्म किया ऐसे ऐसे करके मैं जनाब लिख दिया क्या नेम वेरिएबल। अब देखें इस कोड को हम कंपाइल करते हैं और करने के बाद रन करते हैं, तो सबसे पहले ये क्या करेगा भाई, नाम इनपुट लेगा। तो मैंने कहा कि भाई नाम है इसरार, फिर 25, फिर 35, फिर 65, तो ये बता रहा है कि टोटल मार्क्स ऑफ इसरार आर 125। ठीक है, क्लियर है भाई? जी सर, तो इस तरीके से भी आप इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं गेट्स को, और गेट्स ही करेंगे तो उसकी मदद से आप जो है वो कैरेक्टर इनपुट ले सकते हैं। अच्छा, कुछ हमारे पास है ना वो जैसे स्टेटमेंट टर्मिनेटर जो है वो सेमी कॉलन होता है, इसी तरह एक एस्केप सीक्वेंस होती है हमारे पास बहुत सारी ना, स्लैश ए अगर आपने लगा दिया सी आउट में तो वो एक साउंड जनरेट करता है अलार्म हिसाब से। जैसे अगर मैं यहाँ पर सी आउट करूँ और ऐसे करके मैंने स्लैश ए लगा दिया, तो इससे क्या होगा कि जब आप इस कोड को कंपाइल करेंगे और कंपाइल करके रन करेंगे तो वो इसी तरह आपसे नाम पूछेगा। मैंने लिख दिया जनाब सलीम, फिर उसके मैंने नंबर इनपुट कर दिया। देखें ये आवाज़ आई ना आपको, ये आवाज़ इस स्लैश ए की वजह से आई है। ठीक है,
इसी तरीके से स्लैश भी अगर मैं लगा दूंगा तो वो बैक स्पेस होता है यानी पीछे हो जाएगा, थोड़ा स्पेसिंग कम हो जाएगी। स्लैश टी लगा दूंगा तो टैब हो जाएगा, वो एक थोड़ा सा एक टैब आगे बढ़ जाएगा। स्लैश एन से लाइन ब्रेक हो जाती है। स्लैश आर होता है कैरेज रिटर्न, इससे होता ये कि अगर स्लैश एल आर हो जाए तो जो हमारा कर्सर है वो बिल्कुल शुरू में पहुंच जाएगा, वहां पे जो भी यूजर एंटर कर रहा होगा ना वहां एंट्री हो रही होगी। डबल स्लैश डबल ब्लैक बैक स्लैश से ये होता है कि बैक स्लैश कैरेक्टर प्रिंट हो जाता है। इसी तरीके से अगर मुझे ये सिंगल कोट प्रिंट कराना हो तो बैक स्लैश सिंगल कैरेक्टर कर देते हैं हम, और डबल कोट प्रिंट कराना हो तो बैक स्लैश डबल कोट कर देते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। भाई किसी ने कोई सवाल तो नहीं पूछना? सर समझ तो आ रहा है, अभी इंशाल्लाह कल प्रैक्टिस करेंगे तो फिर कुछ होगा। प्रैक्टिस असल चीज है। चले आगे बढ़ते हैं और अभी हम डिस्कस कर लेते हैं ऑपरेटर्स को। ऑपरेटर्स हमारे पास जो है वो सी प्लस प्लस में बहुत सारे हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं, डिक्रीमेंट ऑपरेटर हैं, रिलेशनल ऑपरेटर हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर हैं। जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस, ये कहलाते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, इनका इस्तेमाल पता है आप लोगों को? नहीं पता किसी का तो बता दे, मैं समझा देता हूँ। मुझे तो हाँ पता भाई है जी, अर्थमेटिक। बाकी लोग, पता बाकी है लोग क्लास में मौजूद हैं? पता है मॉडुलस क्या करता है वैसे? सर, जस्ट अर्थमेटिक ऑपरेशन के काम पता है। हाँ, ये रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो अब देखें, ये सिंपल प्रोग्राम है, डेवलप अ कैलकुलेटर इन सी प्लस प्लस यूजिंग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो इस प्रोग्राम को आप बना के चेक कर लीजिएगा, कोई इशू हो तो मेरे साथ डिस्कस कर लीजिएगा। इसी तरह प्लस प्लस जो है ना, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाता है। और इससे होता ये है कि अगर किसी भी वेरिएबल में कोई वैल्यू और आपने प्लस प्लस लगा दिया तो उसमें एक वैल्यू का इजाफा हो जाता है। ये दो होते हैं, एक होता है पोस्ट फिक्स और एक होता है प्री फिक्स। अगर प्री फिक्स आपने लगाया तो पहले इंक्रीमेंट होगा फिर वैल्यू असाइन होगी, और अगर पोस्ट फिक्स लगाया तो पहले वैल्यू असाइन होगी फिर जो है ना वो इंक्रीमेंट होता है। इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो बता दें, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर ये नहीं समझ आया आपने क्या। अच्छा देखें, कॉन्सेप्ट क्या है इसका। कि भाई मिसाल के तौर पे मैंने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया ए, फिर ए में मैंने रख दिया टेन। अच्छा, फिर मैंने कहा सी आउट और ए प्रिंट करवा दिया। क्या प्रिंट होगा भाई? हाँ भाई, क्या प्रिंट होगा? 10 प्रिंट हो जाएगा। 10 टेन प्रिंट हो जाएगा, सिंपल प्रोग्राम है। अच्छा, अब मैंने किया ये कि एक और वेरिएबल बनाया बी, और बी में ए की वैल्यू स्टोर कर दी, तो और प्रिंट मैंने बी करा दिया, तो अब क्या प्रिंट होगा भाई? एरर 10। ये अभी भी ज़ाहिर है टेन ही प्रिंट होगा। अच्छा अब देखिए, मैं कह रहा हूँ प्लस प्लस ए, तो इसको कहते हैं ए में मैंने इंक्रीमेंट कर दिया। तो अब अगर आप कोड को कंपाइल करेंगे और कंपाइल करने के बाद रन करेंगे तो देखें बी जो है ना वो 11 प्रिंट करेगा। ठीक है, यानी कि ए में एक वैल्यू का इजाफा, ये कहलाती है प्रीफिक्स।
अच्छा अगर मैं यहां पर ए और बी दोनों को प्रिंट करवाऊं, देखें तो कोड को मैंने कंपाइल किया और कंपाइल करने के बाद मैंने इसको रन किया, तो देखें ए भी 11 है और बी भी क्या है, 11 है। ए भी 11 है, बी भी 11 है। लेकिन अगर मैंने किया ये होता कि मैंने यहाँ पर एक और वेरिएबल बना दिया सी, ठीक है, और सी पे मैं लिखता हूँ बी प्लस प्लस, ये पोस्ट फिक्स है। अब मुझे बताएं कि सी में क्या वैल्यू होगी। हाँ भाई, सी में क्या वैल्यू होगी। देखिए अगर मैं प्लस प्लस बी लिखूँ ना, तो जाहिर है बी में एक वैल्यू का इजाफा हो जाएगा, तो बी में अगर 11 है तो सी में कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है ना भाई, मेरी बात समझ में आ रही है। हाँ भाई, सर इट मीन के जो वैल्यू हमने, क्योंकि सिर्फ 10 की दी, 1 ही दी थी पहले, तो इसलिए अगर 1 की वैल्यू 10 थी तो फिर बी की 11 हुई और फिर सी की 12 होगी, यानी कि फिर इस तरीके से बढ़ेगी। लेकिन अगर हम बी और सी को अलग अलग वैल्यू देते तो फिर इस तरीके से नहीं बढ़ेगा, फिर उनका अलग अलग, जैसे 10, अगर हमने बी को 10 दिया तो फिर बी का जो नेक्स्ट होगा वो 11 ही होगा, ऐसे बात कर रहे हैं आप। असल में मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि अगर मैं, चले इस लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ, देखिए अगर मैं प्लस प्लस ए लिखूंगा ना, तो ए ए की वैल्यू में भी इजाफा होगा और बी की वैल्यू में भी इजाफा होगा। देखिए ए मैंने क्या बनाया था, 10 था ना, तो ये जी प्लस प्लस ए करने से ए भी 11 हो गया और बी भी 11 हो गया, ठीक है। अच्छा अगर जी मैं इसकी जगह ये करता कि ए प्लस प्लस लिख देता और फिर इसको कंपाइल करके मैं अगर इसको रन करूंगा, तो आप देखेंगे कि ए तो 11 हो गया लेकिन बी 10 है। क्यों? इसलिए कि ए में इंक्रीमेंट बाद में हुआ, पहले ए की वैल्यू बी को असाइन हो गई, ओके ओके ठीक है, बात समझ में यस आ रही। तो जी ये प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स वाला सिनेरियो है जो उसका थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। यही चीज जो है वो आपके पास डिक्रीमेंट में भी होती है, पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स डिक्रीमेंट, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात। चलेंगे तो पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ये होता है, प्रीफिक्स में प्लस प्लस है यानी प्लस प्लस पीछे लगा हुआ है तो वो प्रीफिक्स है, और प्लस प्लस अगर आगे लगा हुआ है तो वो पोस्ट फिक्स है, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, जैसे ये कहलाता है इक्वल्स टू, ठीक है। ये जो रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं ना, ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इस तरह के आप प्रोग्राम इनकी मदद से बना सकते हैं। पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है पेज नंबर 61 पे, इसको आप रन करके इसका आउटपुट चेक करिएगा, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा तो नहीं हो गया भाई।
नहीं सर, बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ रहा था कुछ। हाँ जी, बाकी लोगों को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा जी, तो अब आ जाते हैं जरा रिलेशनल, इनमें कोई इशू तो नहीं है रिलेशनल ऑपरेटर्स में? नहीं है, तो हम आगे चलते हैं, आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स में। ये ऑपरेटर्स हमारे पास एंड एंड और नॉट, ये दो कंडीशंस में इस्तेमाल होते हैं। जब एक जब रिलेशनल होता है तो एक ही कंडीशन होती है, जब लॉजिकल आ जाते हैं तो दो कंडीशंस का कंबाइंड हम देखना चाह रहे होते हैं। अब देखिए, ये प्रोग्राम है, इसमें हमने एक्स की वैल्यू 10 रखी, वाई की वैल्यू 5 रखी, जेड की वैल्यू 12 रख दी। अच्छा, फिर हमने कहा सी आउट लॉजिकल ऑपरेटर। अच्छा, अब हम कह रहे हैं सी आउट करो कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई। अब क्या एक्स ग्रेटर देन वाई ट्रू है कि फॉल्स है? हाँ भाई, ट्रू है। हाँ ट्रू है। अच्छा, उसके आगे लिखा हुआ एंड, एंड ऑफ एंड गेट होता है असल में ना ये। इसमें क्या होता है कि दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, एक भी फॉल्स हो गया ना तो वो फॉल्स हो जाता है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि हम पूछ में ये रहा था कि 5 ग्रेटर देन 10 आपके ख्याल में ट्रू रिटर्न करेगा कि फॉल्स रिटर्न करेगा। ये बात सर सही है कि गलत? फॉल्स रिटर्न करेगा। हाँ, तो अगर आप कोड को कंपाइल करेंगे, फाइल करने के बाद रन करके आउटपुट चेक करेंगे तो देखें, ये कह रहा है 5 ग्रेटर देन 10 इसने प्रिंट करवा दिया, और 5 ग्रेटर देन 10 जो है ना वो उसको उनकी वैल्यू भी प्रिंट अगर मुझे करानी है तो मैं यहाँ पर एक बूलियन वेरिएबल बना लेता हूँ और उसका इसकी नाम नजर मैं नहीं आ रही, रखूँगा। है, इसकी स्क्रीन नज़र नजर नहीं नहीं आ आ रही? रही। अच्छा, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। चलो, तो देखें एक्चुअली क्या होता है कि कंडीशन जो होती है हमारे पास उसके हिसाब से या तो ट्रू रिटर्न होता है या फॉल्स रिटर्न होता है। तो अब मैं एक बूलियन कंडीशन के नाम से वेरिएबल बना रहा हूँ और उसमें मैंने ऐसे करके 5 ग्रेटर देन 10 रख लिया है, जो भी इनका रिजल्ट है वो कंडीशन में आ जाएगा। और ये मैंने कंडीशन यहाँ पर वेरिएबल लिख लिया। अच्छा, अब कोड को हम कंपाइल करते हैं और कंपाइल करने के बाद रन कर देते हैं तो ये इसने यहाँ पर 5 इज ग्रेटर देन 10 के आगे 0 लिखा हुआ है। ये जो 0 है ना, एक्चुअली ये बता रहा है कि इसका रिजल्ट जो है ना वो क्या है, फॉल्स है। आप ऐसे भी कर सकते हैं या आप डायरेक्टली 5 इज ग्रेटर देन को यहाँ से कट करें और ऐसे करते हैं। दोनों तरीकों से रिजल्ट सेम ही आएगा, यानी कि 0 आएगा। 0 से मतलब फॉल्स। ठीक है, पहले यहाँ एक एरो लगा देते हैं जिससे बात समझ में आ जाए। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखूँ कि 10 ग्रेटर देन 5 तो ये क्या रिटर्न करेगा? ये स्टेटमेंट क्या रिटर्न करेगी, 0 या 1? सर 0। 0 तो मतलब फॉल्स होता है।
मैं जो समझ रही हूँ ये है दोनों, क्योंकि एंड लगा रहे तो दोनों वैल्यूज सेम होनी चाहिए। यहाँ हम मैंने ग्रेट, लगाया है, एंड अच्छा तो एंड मैंने नहीं लगाया लगाया, है, फिर सर ये ट्रू हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है। 10 greater than 5 में ये 1 रिटर्न कर रहा है, ठीक है। जी, और अगर एंड एंड लगा देंगे तो ये फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, अगर मैं एंड एंड लिख दूँ ना, इससे लाइन एंड हो जाती है, नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है वो। ओके अच्छा अब नो सर, देखिए अगर इसको एंड एंड ऑपरेटर यूज करेंगे तो ये फॉल्स हो जाएगा ना फिर। एंड एल का ऑपरेटर जो है ना, वो तो सिर्फ लाइन ब्रेक एंड करने के लिए इस्तेमाल एंड होता एंड वो जो ऑपरेटर आप अभी सिखा रहे थे हमें, एंड एंड वाला, वो है। हाँ वो अभी इस्तेमाल करेंगे हम, अभी करेंगे कैन तो जी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि वो करेंगे तो फॉल्स हो जाएगा। उसमें दोनों तो वैल्यू सेम होनी चाहिए। यस हाँ वो उसमें दोनों का जो है ना वो ट्रू होना जरूरी है। अच्छा अब मैं यस लेआउट करके अगर मैं इस तरीके से लिखूं, क्या लिखूं कि भाई पहली कंडीशन जो के 0 रिटर्न कर रही है, और यहां पे मैं लगा दूं एंड, और दूसरी कंडीशन जो के 1 रिटर्न कर रही है, तो इनका रिजल्ट जो है ना वो 0 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों कंडीशंस में से एक कंडीशन फॉल्स है। अच्छा दोनों कंडीशन अगर ट्रू हो जाए, जैसे कि ये लिख दिया मैंने 55, तो अब दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, तो लिहाजा अब जो रिजल्ट आएगा आपके पास वो 1 आएगा। तो ये चीज ये है समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एंड ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करता है जब दोनों कंडीशन ट्रू हो, और ट्रू रिटर्न करता है जब दोनों में से कोई एक ट्रू हो जाए, और का हिसाब किताब अलग है। और में क्या होता है कि ये हम और को अब डिस्कस कर रहे हैं, तो और में 0 0 पे तो 0 होता है, 1 0 पे भी 1 होता है, और 0 1 पे भी 1 होता है, और 1 1 पे तो 1 होता ही है। दोनों में से एक भी ट्रू है तो ट्रू हो जाता है, ये और ऑपरेटर है। इसको आप सी में ऐसे प्रेजेंट करते हैं और इसको सी में आप ऐसे प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर है। फिर असाइनमेंट ऑपरेटर सिंगल इक्वल्स टू लिखा हुआ है, तो ये एक्चुअली असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। अभी एक कोड लिखा हुआ है कि असाइनमेंट ऑपरेटर की मद और इक्वल ऑपरेटर का आपस में कंपैरिजन यहाँ दिया हुआ है, इसको चेक कर लीजिएगा, कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे आप पूछ लीजिएगा। ये आपका चैप्टर भी एंड हो गया सर, ये जी। जो हम बोलियन में जैसे हम पढ़ते थे एंड ऑपरेशन ऑपरेटर जो है वो मल्टीप्लाई के लिए यूज होता था, और ऑपरेशन ऑपरेटर जो है वो प्लस के लिए यूज होता था, ये वही है ना? नहीं, ये असल में ये लॉजिक गेट्स होता है, लॉजिकल लॉजिक ऑपरेटर्स गेट्स, है। असल में लॉजिकल वो जो आप कह रही है ऑपरेटर ना वो भी में वो ही है, डिफरेंट सेंस में है। ये लॉजिकल, ये लॉजिक गेट्स हैं ये। ये लॉजिक गेट्स हैं। हाँ ये असल में होता ही है कि ये कुछ गेट्स होते हैं, ये अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे ना उसमें कोर्स होता है डिजिटल लॉजिक डिजाइन, तो उसमें डिजिटल लॉजिक डिजाइन के अंदर कंप्यूटर के अंदर ना ये गेट्स बने हुए हैं जिनकी मदद से डिसीजन लिए जाते हैं। तो जी सर, ये तो पता है। इसको आप इस तरह समझें कि मिसाल के तौर पे मैंने यूजर से ना, मैंने बच्चे से उसके नंबर इनपुट लिए। आप इसको अगर आप समझना चाह रही हैं तो जी, इसको आप ऐसे समझें कि भाई मैंने क्या किया कि नंबर इनपुट लिए, मैंने कहा कि भाई सी आउट एंटर योर मार्क्स इन, एंटर योर टोटल मार्क्स, ठीक है, और ये मैंने स्लैश एन लगा दिया। अच्छा जी, अब टोटल मार्क्स इनपुट करने के लिए मैंने एक वेरिएबल बना लिया, मैंने कहा इंटीजर टोटल मार्क्स, फिर मैंने उसको इनपुट ले लिया। अब टोटल मार्क्स इनपुट करवाने के बाद अब मैं यहाँ पर जो है ना वो कुछ चेक्स लगा रहा हूँ, और वो चेक्स अभी पढ़ाए नहीं थे इसलिए मैं उस एग्जांपल को बताना नहीं चाह रहा था। अब देखें अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इफ टोटल मार्क्स
ग्रेटर देन। अब कितने नंबर पे बच्चा पास हो जाता है मैट्रिक में, टोटल कितने नंबर पास होते हैं मैट्रिक में आजकल? कितने? 40। नहीं नहीं, ओवरऑल कितने मार्क्स होते हैं मैट्रिक में? ओवरऑल 500 मैट्रिक में 500 होते हैं, तो 510 ऐसे कुछ है। 500 होता है? 500 यस यस 5 नहीं, अभी तो एक सब्जेक्ट की तरह बढ़ गए हैं, सब्जेक्ट चेंज हो गए तो थोड़ा कंफ्यूजन। मैं इसलिए तो पूछ रहा हूं, मैंने तो 1998 में मैट्रिक किया था, मतलब भूल गया, मैं भी आप लोगों से पूछ रहा हूं। अभी सर अभी ये 2 साल हुए थोड़ा सब्जेक्ट बढ़ा दिए ना इनके 9 मैट्रिक के। तो क्या करेंगे हम प्रिंट करवा देंगे कि भाई मुबारक हो आप पास हो गए। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स मैं प्रिंट करवा दूंगा भाई। सॉरी। अच्छा अब ये जो कोड मैंने लिखा है तो इसमें अगर आप इसको रन करेंगे और इसको जो है वो आउटपुट चेक करेंगे तो ये आपसे इनपुट लेगा। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल लिख दिया 250, ये कहेगा कि भाई मुबारक हो आप पास हो गए। ठीक है, इसी कोड को मैं दोबारा रन करूं और मैंने 150 लिख दिया तो ये सॉरी कह देगा क्योंकि 200 से कम है। अब यहां अगर मैंने मिसाल के तौर पे 800 भी लिख दिया तो ये क्या कहेगा? कांग्रेचुलेशन, किसी के पास आ सकते हैं? आ सकते हैं। तो लिहाजा यहां पर चेक लगाना चाहिए कि मार्क शुड बी लेस देन 400, तो वो मैं एंड करके लगा दूंगा। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात कि 200 या 200 से ज्यादा होने चाहिए और 400 से कम होने चाहिए। इस काम के लिए एंड ऑपरेटर इस्तेमाल।